77वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की पायल कपाड़िया ने इतिहास रच दिया है। पायल की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने कान का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रां प्री अपने नाम कर लिया है। इस अवार्ड को जीतने वाली पायल भारत की पहली महिला फिल्म मेकर बन गई है। कान में पायल की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट का प्रीमियर 23 मई को हुआ था, तब इसे 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। फिल्म की कहानी मुंबई में रहने वाली दो नर्स की है। मंच पर अवार्ड लेने गई पायल ने कहा, थैंक यू सो मच, इस कंपटीशन में फिल्म का सिलेक्ट होना मेरे लिए सपने जैसा था, लेकिन यहाँ अवार्ड जीतना मेरे लिए कल्पना से भी परे है। धन्यवाद, मैं मिगुएल गोम्स की बहुत बड़ी फैन हूँ। बता दें, मिगुएल गोम्स पुर्तगाल के फिल्म मेकर हैं जिन्हें कान 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। पायल ने आगे कहा, इसलिए वो जो भी करते हैं मैं भी उसका पालन करती हूँ। मैं भी अपनी फिल्म के एक्टर्स को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके बिना ये फिल्म संभव नहीं हो पाती। ये तीन महिलाएं हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। फिल्म में भी इन्होंने एक परिवार की तरह योगदान दिया है और इसे अपना बनाया है। आप सभी का धन्यवाद। पायल ने आगे कहा, मैं बहुत घबराई हुई हूँ, इसलिए मैंने कुछ लिखा है। हमारी फिल्म को यहाँ लाने के लिए कान फिल्म फेस्टिवल का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगली भारतीय फिल्म को यहाँ जगह देने में 30 और साल ना लग जाए। मैं अपने प्रोड्यूसर्स का भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरी इस अजीब आइडिया को सपोर्ट किया, क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए गांव की आवश्यकता होती है, इसलिए मेरी टीम और क्रू के बिना ये संभव नहीं था। पायल कपाड़िया का जन्म मुंबई में हुआ। उन्होंने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो वापस मुंबई लौटी। यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद सोफिया कॉलेज से मास्टर्स की पढ़ाई की। फिर उन्होंने फिल्म डायरेक्शन की पढ़ाई के लिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII ज्वाइन किया। पायल की माँ नलिनी मालिनी भारत की फर्स्ट जनरेशन वीडियो आर्टिस्ट है। पायल ने करियर की शुरुआत शॉर्ट फिल्म से की थी। उन्होंने 2014 में पहली फिल्म वाटरमेलन फिश एंड हाफ घोस्ट बनाई थी। इसके बाद 2015 में आफ्टरनून क्लाउड्स, साल 2017 में द लास्ट मैंगो बिफोर द मॉनसून बनाई। पायल ने 2018 में एंड व्हाट इज द समर सेइंग डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। ऑल वी इमेजिन एज लाइट एक मलयालम हिंदी फीचर है। फिल्म में कनी कुश्रुति, दिव्या प्रभा, छाया कदम, रिधु हरूण और अजीज नेधु मंगत जैसे एक्ट्रेस ने काम किया है। ये दोनों नर्सों की कहानी है। इन नर्सों का नाम प्रभा और अनु है। वो साथ में रहती हैं। प्रभा की शादी अरेंज है। उनका पति विदेश में रहता है। वहीं दूसरी तरफ अनु प्रभा से छोटी हैं। उनकी शादी नहीं हुई। वो एक लड़के से प्यार करती हैं। प्रभा और अनु अपनी दो दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाती हैं। वहाँ वो खुद की पहचान तलाशती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, उन्हें आज़ादी के मायने समझ आते हैं। ये फिल्म इस समाज में महिला होने, एक महिला का जीवन और उनकी आज़ादी जैसे मसलों पर बात करती है। पायल इससे पहले भी कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत चुकी हैं। उन्होंने 2021 में अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग नाम की एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की थी, जिसे कान फिल्म फेस्टिवल में 2021 में द गोल्डन आई अवार्ड मिला था। ये अवार्ड फेस्टिवल की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री को दिया जाता है। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी शशांक ने। सिनेमा से जुड़ी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। मैं हूं अंजलि, कैमरे के पीछे है मेरे साथी रवि। शुक्रिया।